आपने ये कोट तो सुना ही होगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब है कि किसी भी बुक के कवर को देख के ये पता नहीं चलाया जा सकता है कि ये बुक इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है, क्या ये इंफॉर्मेटिव है कि जस्ट टाइम ऑफ वेस्ट है। ऐसा ही कुछ कहती है आज की थेरेपी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गस्टाल्ट थेरेपी। इस थेरेपी का मानना है कि किसी भी इंसान को सिर्फ एक इवेंट से हम जज नहीं कर सकते, हमें किसी भी इंसान को एज अ होल देखना है, एज अ कंप्लीट देखना है। मतलब कि वो हर सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, उसका दूसरों के साथ बात करने का तरीका क्या है, वो दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, मतलब एज अ होल वो कैसा पर्सन है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गस्टाल थेरेपी के बारे में और व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ अ काउंसलर और गोल्स जो इस थेरेपी से अचीव किए जाते हैं। और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा इन गोल्स को अचीव किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है गस्टाल, होपफुली मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब है एज अ कम्प्लीट, एज अ होल, मतलब एक इंसान पूरा का पूरा, ना एक पर्टिकुलर इवेंट के हिसाब से हम जज कर रहे हैं, ना एक पर्टिकुलर बिहेवियर के हिसाब से हम जज कर रहे हैं, हम उसको जज कर रहे हैं एज अ पर्सन कि वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है। और उसके बाद इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है नाउ एंड प्रेजेंट, मतलब आज की डेट में वो इंसान कैसा बिहेव करता है। इसमें प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। इसके हिसाब से पुराने इवेंट्स, पास्ट के इवेंट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर आज की डेट में किसी भी इंसान का बिहेवियर कैसा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वजह इसके कि उसके पास्ट में क्या हो चुका है। क्योंकि इस थेरेपी का मानना है कि जो पास्ट में हो गया उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर जो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है उसकी वजह से जो हमारा प्रेजेंट बिहेवियर है उसके ऊपर काम किया जा सकता है। उसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट बात होती है इसमें होती है टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी भी इंसान को पहले सेल्फ अवेयर बनाया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, और उसके बाद उसे हेल्प किया जाता है कि कैसे वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोए और वो माने कि जितने भी उसने अपने लाइफ के डिसीजंस लिए हैं वो उसी के कारण है। अगर वो अपनी लाइफ में बेहतर उसको बनाना चाहता है तो उसे ये सोच समझ के करना होगा कि वो कौन से डिसीजंस लें और कौन सी चीज़ें उसके लिए सही हैं और कौन सी नहीं। गस्टाल थेरेपी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है कि किसी भी इंसान को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इसलिए वो इंसान दूसरों के साथ कैसा इंटरेक्ट करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे एक्ट करता है, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस थेरेपी का मानना है कि एज अ इंसान हमें उसे कंप्लीट देखना पड़ेगा, हर रूप में देखना पड़ेगा और हर रोल में, जैसे एज अ फादर कैसा है, एज अ हस्बैंड कैसा है, एज अ बॉयफ्रेंड कैसा है, एज अ फ्रेंड कैसा है, तो एज अ होल वो इंसान कैसा है। और इस थेरेपी का मानना है कि किसी भी इंसान के बिहेवियर को उसका कल्चर, उसका एनवायरनमेंट, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्हीं सभी के बेसिस पे उसका प्रेजेंट है, मतलब इन्हीं सभी के चलते ये सारी चीज़ें उसके बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, इन्हीं सभी के चलते उसका प्रेजेंट बिहेवियर जो है उस हिसाब से वो एक्ट करता है। जैसे कि ये थेरेपी प्रेजेंट एंड नाउ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, इसलिए जो प्रेजेंट फीलिंग्स हैं, जो प्रेजेंट थॉट्स हैं, जो प्रेजेंट एक्शंस हैं और प्रेजेंट बॉडी सेंसेशन है, मतलब कोई भी इंसान के अंदर बॉडी सेंसेशन कैसे चल रही है, क्या उसके हाथ कांप रहे हैं, क्या वो गुस्से में है, क्या वो इनकॉन्फिडेंट है या फिर कॉन्फिडेंट है, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब जो काउंसलर है वो तो बात तो सुन ही रहा है, पर ये जो नॉन वर्बल क्लूज़ हैं जैसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। कि कई बार कई लोग बोल तो बड़े कॉन्फिडेंस से रहे होते हैं पर उनके हाथ कांप रहे होते हैं, इसका मतलब वो दिखा कुछ रहे हैं पर अंदर से जो है उनकी हालत ख़राब है। तो यहाँ पे वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल क्लूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करते हैं द व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। अब यहाँ पे हमने पहले भी जाना कि किसी भी इंसान का कल्चर, उसके आसपास का एनवायरनमेंट
और उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उसका बिलीफ सिस्टम, ये किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को बनाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर कोई इंसान इन एरियाज में से एक पर्टिकुलर एरिया को ज़्यादा फोकस कर दे तो जो बाकी की चीज़ें हैं वो उसके बैकग्राउंड में चले जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक लड़का है, उसको उसका ये बिलीफ सिस्टम है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो वो कहते हैं वो बात माननी चाहिए। तो अब क्या हुआ, उसकी लग गई जॉब, वो जाना चाहता था दूसरी सिटी में उस जॉब को करने के लिए, पर अब उसके माता पिता हैं वो नहीं चाहते कि वो जॉब करने के लिए दूसरी सिटी में जाए। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि क्योंकि उसको बिलीफ सिस्टम था कि मुझे अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, उसने वो जॉब छोड़ दी और वो वहीं रहा जहाँ पे उसके पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि उसने अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से तो अपने पेरेंट्स की बात मान ली, पर कहीं ना कहीं उसके दिन में ये रह गया कि मुझे तो वो जॉब करनी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने एक चीज़ को ज़्यादा फोकस कर दिया और बाकी चीज़ें जो हैं उसके बैकग्राउंड में चली गई। तो कई बार क्या होता है, ये बैकग्राउंड की चीज़ें हमें रियलाइज़ नहीं होती हैं, पर ये अंदर ही अंदर हमें परेशान करती हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। हम ये जान नहीं पाते कि हमारा बिहेवियर क्यों चेंज हुआ है, पर इस इवेंट के कारण वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से अब चिड़ा चिड़ा रहने लग गया, उससे बात भी मान ली पर उसको वो सुकून ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको बोलते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस, मतलब कि वो कुछ ऐसा करना चाहता था पर क्योंकि वो नहीं कर पाया तो उसकी जो अंदर से खुशी थी वो कम हो गई। तो जब ऐसा कुछ होता है तो किसी भी इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम इतने ज़्यादा सिवियर हो जाएं कि किसी भी इंसान की डेली बेसिस के काम करने मुश्किल हो जाएं, वो बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाए या फिर बहुत ही परेशान रहने लग जाए या फिर बहुत उदास रहने लग जाए, फिर उसको काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये तो बात हो गई कि हाँ ठीक है, एक साल हो गया इस बात को, वो इसी सिटी में जॉब करने लग गया, पर फिर भी उसके मन से वो बात गई नहीं कि मुझे दूसरी जगह पे जाके जॉब करनी थी। तो अगर तो उसकी प्रेजेंट लाइफ अभी तक उसको परेशान दे रही है, वो डेली बेसिस में आर्ग्यूमेंट में पड़ रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर पेरेंट्स के साथ नहीं भी पड़ रहा तो वो जॉब में उतना ज़्यादा मन नहीं लगा पा रहा है, खुद से उखड़ा उखड़ा रहता है, दोस्तों के साथ उतना ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाता या फिर उतना खुश नहीं रहता जैसे पहले रहता था, तो इसका मतलब उसका जो बैकग्राउंड है, मतलब जो पास्ट में कुछ ऐसा हो गया, इसकी वजह से उसका प्रेजेंट जो है ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे इस थेरेपी में प्रेजेंट के ऊपर काम किया जाता है कि प्रेजेंट में उसको कैसे फ़र्क पड़ रहा है, क्या वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो गया है या फिर वो उदास रहने लग गया है या फिर वो बहुत ज़्यादा इनकॉन्फिडेंट हो गया है या फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अब कोई चाम ही नहीं लगता या फिर कोई मज़ा नहीं लगता, क्या उसके हाथ पैर में बॉडी सेंसेशन में ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है, क्या वो लोगों के साथ आई कॉन्टैक्ट कर पाता है। तो ये सारी चीज़ों पे फिर ध्यान दिया जाता है क्योंकि इस थेरेपी के हिसाब से जो पास्ट में हो गया उसे तो चेंज नहीं किया जा सकता, पर जो प्रेजेंट बॉडी के क्लूज़ हैं उनसे ये जज किया जा सकता है कि इस आदमी को या फिर इस इंसान को वो जो इवेंट है उसने किस तरीके से इम्पैक्ट किया। गेस्टाल्ट थेरेपी में अनफिनिश्ड बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी इंसान के मन में कुछ दबा हुआ ऐसा रह गया है जो उसे पूरा करना था, तो वो उसको अगर प्रेजेंट लाइफ में मैचअप नहीं कर पा रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जैसे कई बार ये होते हैं कि कई बच्चे दूसरी कंट्री में सेटल हो जाते हैं, अगर एक पेरेंट की डेथ हो गई तो जब तक उन्होंने टिकट कराई या फिर वीज़ा प्रोसेस कुछ भी किया, जब तक वो वापस इंडिया में आए तब तक उनके पेरेंट्स की जो डेथ सेरेमनी का प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका था, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिल में मलाल रह जाता है कि मैं आखिरी समय में अपने पेरेंट्स के पास नहीं रह पाया। तो वो उसको चीज़ इतनी ज़्यादा कई बार परेशान करती है कि वो इंसान गिल्ट में जा सकता है, वो खुद को माफ़ नहीं कर सकता, फिर वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेने लग जाए जो प्रैक्टिकली इतने सही ना हो, वो अपने बच्चों पे अलग तरीके से बिहेव करने लग जाए कि मैं तब नहीं कर पाया ऐसा तो मैं बच्चों को कुछ ऐसा करूं जिससे इनके लाइफ में वो सिचुएशन ना आए। तो वो मतलब नॉर्मल की जगह थोड़ा सा डिसफंक्शनल उसके बिहेवियर में आ जाता है। तो अगर कोई भी अनफिनिश्ड बिजनेस हमारे बैकग्राउंड में चलता रहे, कहीं ना कहीं वो हमें परेशान करता रहे, तो उसकी वजह से बहुत सारी पेनफुल या फिर एक ऐसी फीलिंग आ सकती है जिसका कई बार जो क्लाइंट है उसको खुद भी नहीं पता चलता। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि गेस्टाल्ट थेरेपी होता क्या है और रिव्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि रोल ऑफ अ काउंसलर कैसे
कौन सा मदद करता है यूजिंग दिस थेरेपी और कौन से गोल्स हैं जिन्हें अचीव करने की कोशिश की जाती है। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो ज़रूर आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। तब तक ले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका, विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।